सैलून इंडस्ट्री में आजकल करियर बनाने का शानदार मौका है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, इंटरनेशनल कंपनियां आ रही है, जो कि सैलून में मेल और फीमेल के लिए शानदार करियर ऑप्शन दे रही है। आजकल मशीनें भी एक से एक आ रही हैं, जिसके थ्रू जो है सैलून को काम में ज़्यादा रफ्तार दिया जा सकता है। डिफरेंट टाइप ट्रिमर हैं मार्केट में अवेलेबल, जो कि सैलून के काम में अच्छा काम करता है। कुछ अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, जस्ट एक दो महीने के प्रैक्टिस में जो अगर जिसकी हुनर है वो काफ़ी अच्छा हेयर कट वगैरह कर सकता है। मार्केट में आजकल अच्छे हेयर कट की कीमत जो है 200-300 रुपये तक एक मिनिमम है कॉस्ट। अगर अच्छे अगर डिज़ाइन हैं तो जो टेक्नीशियंस हैं जो बाल कटिंग कर रहे हैं वो 2-3 हज़ार रुपये तक ले रहे हैं। थोड़ी सी हुनर के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अगर कोई भी आदमी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हो तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। आजकल यूनिसेक्स सैलून खुल गए हैं सभी शहरों में, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों जाके अपने बाल बना सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है तो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है। 5-स्टार होटल्स वगैरह में सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं या जो नेता वगैरह हैं उनके यहाँ पे काफ़ी डिमांड है ऐसे लोगों की, जो रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट्स के पास जाके उनकी अपनी सर्विसेज देते हैं और एक टाइम में पर विजिट वो 2-3 हज़ार रुपये भी वो चार्ज कर रहे हैं। मेट्रो टाउन्स में, दिल्ली बॉम्बे में तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ऐसे टेक्नीशियंस की जो इस तरह की सैलून की सर्विसेज जो घर पे दे सकें। इसमें डिज़ाइंस टाइम टू टाइम पे डिज़ाइंस आती रहती हैं और डिज़ाइंस के ऊपर काम करना होता है। जैसा आप डिज़ाइन में, जैसा आपका हुनर होगा उसके अनुसार आपको मार्केट में पैसा मिलता रहेगा। फिल्मों में अलग अलग ट्रेंड दिखता रहता है, उसके अनुसार जो हैं मेल या फीमेल अपने हेयर स्टाइल चेंज कराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अलग अलग डिज़ाइंस के ऊपर कमांड जिनका रहता है उनकी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड होती है। और ये ट्रेंड के अनुसार है, सीजन के अनुसार है, ट्रेंड के अनुसार है, इसकी काफ़ी मांग बनी रहती है। तो डिपेंड ये करता है कि कोई भी शख्स जो है जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो अच्छा काम करता है, और उसका व्यवहार है वो भी एक चीज़ है कि कैसा कम्युनिकेशन स्किल है। तो दो चीज़ों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, एक तो काम सीखना, जैसा सैलून में डिफरेंट टाइप के काम हैं, बाल है, दाढ़ी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैलून से जुड़ी हुई हैं। फेशियल वगैरह भी आजकल जो हैं काफ़ी फेमस हो रहा है और ये सैलून वाले लोग ही करते हैं, और तरह तरह की मशीनें इक्विपमेंट्स आ गई हैं, वो उसका भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो इस फील्ड में करियर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस 2-3 महीने इसमें समय देना होता है और एक शानदार करियर जो है वेट करता रहता है। तो अभी अगर सैलून के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, लाखों रुपए अगर आप महीने में कमाना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, चाहे तो आप अपनी फ्रेंचाइजी खोल के अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी भी आप बांट सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नामी ब्रांड्स की जो है आजकल सैलून सब जगह पे खुली हुई है, तो सारे जगह पे जो है अच्छे टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जो अच्छे कारीगर की ज़रूरत है जो काम कर सके, और नई नई लेटेस्ट जो केमिकल्स आ रही हैं उनके बारे में वो जानकारी रखें, नए नए डिज़ाइंस आ रही हैं उनके बारे में वो जाने, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाइजीन का इसमें विशेष महत्व है। तो लोग प्रेफर कर रहे हैं ऐसे जगह पे जाना, ऐसे सैलून में जाना जहाँ पे हाइजीन से सारा काम होता है, जिसको हाइजीन के बारे में जानकारी हो और हाइजीनिक रूप से वो काम करे। और डिस्पोजेबल थिंग्स की इसमें आजकल डिमांड बढ़ गई है, जब से मार्केट में डिफरेंट तरह की बीमारियाँ वगैरह बढ़ गई हैं, उसमें एक ही बार यूज़ करने वाले डिस्पोजेबल ग्लव्स वगैरह पहन के लोग
काम कर रहे हैं, तो नई नई जो टेक्निक हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, वो सारे को अगर ध्यान में रखते हुए काम किया जाए सारून के फील्ड में, तो काफ़ी अच्छी करियर इसमें अपनाया जा सकता है। बस 2 से 3 महीने इसमें समय देने की जरूरत है। कोई नया आदमी है तो 1 से 2 महीने में भी अच्छी तरह से वो काम सीख जाता है। तो ये तो काम सीखने की बातचीत हुई, और प्लस कम्युनिकेशन स्किल, कैसे बातचीत किया जाए, कैसे पोलाइटली कस्टमर को रिस्पांस दिया जाए, ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि कस्टमर का रिटेंशन बना रहता है। परमानेंट जो है कस्टमर, वो अपने कारीगर से ही वो बनाना चाहते हैं, किसी खास कारीगर से ही, जिससे उसे पसंद है कि हाँ ये कारीगर मेरा काम अच्छी तरह से करता है, तो लोग करते हैं। तो मात्र 2-3 चीज़ों की ही इसमें ज़रूरत है। एक तो काम करना, लेटेस्ट ट्रेंड है मार्केट में क्या है वो जानना, और एक हाइजीन मेंटेन करना। अगर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो फिर उसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं हाइजीन के ऊपर। और तीसरी चीज़ें हैं कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और केमिकल बीच बीच में आते रहते हैं मार्केट में, सारी कंपनियों के केमिकल्स के बारे में जानकारी रखना और मशीनों के बारे में जानकारी रखना। तो काफ़ी कम पूंजी में ये जो है काफ़ी अच्छा खासा ये व्यापार इसे किया जा सकता है। कहीं सैलून खोल के भी अगर उसमें एसी वगैरह लगा है तो महीने में 2-3 लाख रुपए आराम से ही कमाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट महीने के जो है खर्च जो है करीब 50,000 के आसपास आएगा, और इनकम जो है करीब 3 लाख के आसपास, तो 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास जो है इसे इनकम कमाया जा सकता है। तो आज के दौर में ये एक अच्छा खासा ये प्रोफेशन बन चुका है। और ब्रांड को अगर थोड़ी बहुत आपने प्रमोट किया तो आप फ्रेंचाइजी का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जगह जगह पे आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, और फ्रेंचाइजी दे के भी जो है इसमें आप कर सकते हैं। सैलून के क्षेत्र में आप एजुकेशन का भी कार्यक्रम कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को आप ट्रेनिंग दे के उनसे भी जो है कुछ मनी कमा सकते हैं। तो इस तरह से जो है सैलून में, तो एक तो आपके कस्टमर एक हो गए हैं, दूसरा आप फ्रेंचाइजी दे के कमा रहे हैं, तीसरा एजुकेशनल प्रोग्राम अगर आप स्टार्ट कर दिए तो उसमें भी पैसा आ रहा है। तो इसमें यही ध्यान देना है कि लेटेस्ट आपके पास जो है इक्विपमेंट हो, नंबर 1 है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, नंबर 2 जो है जो कटिंग चल रही है वो लेटेस्ट जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तीसरा है कि हाइजीन का जो है काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, और चौथा है कि कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है। शानदार